नहीं मालूम अभी, बस लड़का जो गया था 1:30 बजे घर से, शाम 9:30 और 8:30 9:30 के बीच में फ़ोन आया कि उसके ऐसे ऐसे चोट लगी। अभी इस बारे में कुछ मालूम नहीं हुआ क्योंकि वो होश में नहीं है, उसकी हालत ज़्यादा ख़राब है। ये लगभग 9 बजे करीब हमें खबर मिली थी, तो हम वहाँ से गए बडला क्लिनिक की तरफ, तो वहाँ से एम्बुलेंस में निकल चुके थे, फिर जामिया कब्रिस्तान की तरफ वहाँ गए, तो वहाँ मैंने अपने भाई को उसमें बिठाला एम्बुलेंस में, तो फिर ये एम्स लेके गए, वहाँ पे ट्रीटमेंट वगैरह चला, फिर ऑपरेशन वगैरह हुआ, फिर वार्ड में लेके गए। उसके बाद अभी डॉक्टर ने बोला ब्लड की ज़रूरत है, जब तक ब्लड नहीं मिलेगा तो बॉडी में इन्फेक्शन भी हो सकता है, उससे जान खतरे में भी जा सकती है। क्या करते हैं वो? वो इलेक्ट्रिशियन है। तो चोट कहाँ कहाँ आई है? चोट उनकी पीठ में है और आगे है सीने पे, बाकी आंतें वगैरह कट गई हैं। तो आपको कैसे पता चला? मुझे मेरे भाई के एक जानकार उधर से गुजर रहे थे, तो उन्होंने कॉल करके बताया था कि आपका भाई मतलब यहाँ पे ऐसे हाल में बैठे हैं, तो उन्हें देख लीजिए, तो यहाँ से हम गए तो फिर ले सर मैं घर पर था, घर पर मेरे सामने इनके घर पर फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे तुम्हारा भाई ऐसे हालत में पड़ा है, तो बटला हाउस पर आ जाओ। जब हम बटला हाउस पर पहुँचे तो वहाँ से एम्बुलेंस लेके निकल चुकी थी। रास्ते में कब्रिस्तान पर एम्बुलेंस रोक के मैं एम्बुलेंस में बैठा, एम्बुलेंस में बैठ के मैं एम्स चला गया उनके साथ, वहाँ मैंने उनका एडमिट करा दिया। क्या देखा आपने? सर पूरा खून में लथपथ था वो, उसके पीठ में ज़ख्म हुए हुए थे, चाकू के निशान भी थे। डॉक्टरों ने बात की तो उन्होंने बताया कि आगे और पीछे दोनों तरफ घाव हैं उनके कमर पे और पीठ पर भी। तो कुछ आपसी रंजिश थी क्या? सर पता नहीं, लेकिन जहाँ तक यह है किसी ने बहुत बेरहमी से मारा उन्हें, किसने मारा कब मारा ये कुछ नहीं बता पाएंगे क्योंकि हमें खुद नहीं मालूम। फ़ोन आपको कब आया, किस वक्त आया? लगभग 8:30 से 9 के बीच में फ़ोन आया था, एक लड़का निकला हुआ जा रहा था, वो उसको जानता था, उसने फ़ोन किया था। अस्सलाम वालेकुम। जिस तरीके से परसों 4 तारीख को यासिर की चाकू मारकर हत्या करने की कोशिश की गई, अभी वो यासिर जो है अपनी ज़िंदगी और मौत में लड़ रहा है, वेंटिलेटर पे है, हेम्स हॉस्पिटल पे है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि एक हफ्ते कबल ही तालिब की हत्या कर दी जाती है, लिंचिंग कर दी जाती है, उसके बाद भी इलाके में माहौल रोज़ एक नई वारदात से शुरू होता है, मौत का कोई यहाँ फिक्र नहीं है कि कोई किसी को चाकू मार दे, स्नैचिंग हो जाए, गोली मार दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पुलिस यहाँ जो है बिल्कुल ही काम करने को तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ के नेता हैं अमानतुल्ला खान साहब, वो बिल्कुल ही निकम्मे और नाकारे हैं। जब विपक्ष आवाज़ उठाता है तो उनका एक स्टेटमेंट आजकल घूम रहा है कि जब कांग्रेसियों को पता था कि मैं दिल्ली में नहीं हूँ, अब देखता हूँ कौन सा कांग्रेसी जो है निकल के आता है। तो ये तो अमानतुल्ला खान साहब, ये सब विपक्ष कांग्रेस या कोई और सोशल वर्कर्स आवाज़ उठाते हैं तो आप उनको धमकाने की कोशिश करते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए अपने निकम्मेपन पे, आपको शर्म आनी चाहिए आपको नाकारे